हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आप ऐसे करते हैं आपकी वॉच जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अवेक हो जाती है। तो जब आप ऐसे करते हैं तो ये बंद हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसका प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ये क्यों प्रॉब्लम आता है, इसे किस तरीके से रिसॉल्व करते हैं, वही वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। तो रुकिए, तो मैंने क्या किया दोस्तों, वॉच को हैंड्स निकाल दिया, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए मेरा डिस्प्ले है, तो इसको इस तरीके से जब सर मैं हिटाऊंगा, पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ये ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कभी कभी क्या होता है, ये आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कितने स्टेप वॉक किए, कितने किलोमीटर, ये भी कभी कभी काम नहीं करता है, और राइज टू अवेक भी काम नहीं करता है। तो इसके लिए अब कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आपको क्या है, सेटिंग में जाना है नीचे, जाने के बाद यहाँ पे आपको और नीचे जाना है, और ये सिस्टम सेटिंग में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको रिबूट जो दिखा रहा है, इस पर मार देना है, यानी कि आपकी वॉच दोस्तों बंद होकर चालू हो जाएगी ये रिबूट पे मारते ही। तो कभी कभी क्या वे रहता है दोस्तों, रिबूट मार देना है और ये यस मार देना है, ये बंद होके चालू हो जाएगी दोस्तों। कभी कभी क्या हुआ रहता है, उसका जो सिस्टम रहता है दोस्तों, ये सेंसर का, वो सो गया रहता है दोस्तों। जब भी आप ऐसे ऐसे करोगे, अवेक नहीं होता और ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेप्स काउंट नहीं करता, इसीलिए क्या है वो स्टेप भी जीरो दिखाते रहता है। और ऐसे जब भी आप ऐसे करके ऐसे करोगे, यानी कि अवेक जब भी आप पहनते हो, ये देखिए ऐसे करके ऐसे करोगे, अवेक होती है, तो तब अवेक नहीं होती है दोस्तों। इस तरीके से आप उसको रिसॉल्व कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, ये सेटिंग में राइज टू अवेक जो बटन है, इसको ऑन रखना है, ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। ये इस तरीके से ए साइड में आ जाना चाहिए दोस्तों, ये देखिए, तभी क्या है ये काम करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके अलावा भी कुछ भी सवाल नीचे बिंदास कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।